तिलमिलाया कनाडा। राजनयिकों की वापसी ने उसे और दुख दे दिया। कनाडा की हेकड़ी निकालने में भारत ने जरा भी वक्त नहीं लिया। कनाडा को उसकी करतूतों का सबक सिखा दिया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कनाडा को भारत से दुश्मनी काफी भारी पड़ती अब दिखाई देने लगी है। इस पर कनाडा की विदेश मंत्री तिलमिला रही हैं। भारत के सख्त रुख पर देखिए वो कैसे आवाज उठा रही हैं। आज कनाडा मन ही मन सोच रहा होगा कि भारत से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। उसे आज एहसास जरूर हो गया होगा कि भारत से दुश्मनी मोल लेना काफी महंगा साबित हुआ, क्योंकि भारत में काम कर रहे कैनेडियाई राजनयिकों का भारत की सख्ती के बाद यहां से दाना पानी उठ गया। जी, हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले पर भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ ऐसा आया है कि कनाडा ने भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। गुरुवार को कनाडा की राजधानी ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कनाडा की विदेश मामलों की मंत्री मेलानी जोली ने राजनयिकों की वापसी की पुष्टि की है। मेलानी ने कहा, कनाडा भारत के एक्शन के बाद कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। फिर मेलानी ने यह भी कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के फैसले से दोनों देशों में वाणिज्य दूतावासों पर असर पड़ेगा। हमें चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु में अपने वाणिज्य दूतावासों में सभी व्यक्तिगत सेवाओं पर रोक लगानी पड़ी। आगे मेलानी ने कहा, 21 राजनयिक अभी भारत में ही है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण भारत में कई सेवाओं को सीमित करना पड़ेगा। बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़ में इससे अधिक परेशानी होगी। अब दोबारा ये सेवाएं कब बहाल होंगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, जब तक कनाडा का भारत के प्रति रुख ठीक नहीं हो जाता, तब तक भारत में ये सेवाएं बहाल होना मुश्किल ही है। हालांकि मेलानी ने भारत के इस कदम को अनुचित भी करार दिया है। आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत ने राजनयिक संबंधों को लेकर वियना कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, अगर हम राजनयिकों के लिए बनाए गए नियमों को टूटने देंगे तो दुनिया में कहीं भी कोई राजनयिक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम भारत के इस फैसले पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। अब मेलानी को परेशानी हो रही है क्योंकि उनके 41 राजनयिक वापस कनाडा पहुंच गए हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी तो कनाडा ही है ना। कनाडा ने ही तो भारत को ऐसा सख्त रुख अपनाने पर मजबूर किया है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या मामले में जस्टिन ट्रूडो समेत पूरा कनाडा जैसे भारत पर आरोप मढ़ने पर ही उतारू हो गया था। भारत पर इल्जाम भी ऐसा लगा रहा था जिसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं था। सीधा भारत का नाम लेकर जस्टिन ट्रूडो ने जबरदस्त कटाक्ष करने की गुस्ताखी की थी। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने भारत के एक डिप्लोमेट को निकाल दिया था, जिसके जवाब में भारत ने भी उनके एक डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी थी। भारत ने अपने देश में मौजूद कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स में से 41 को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था। वैसे तो देश छोड़ने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर थी, लेकिन डिप्लोमेट्स अब भारत से कनाडा लौट पाए हैं, जिस पर विदेश मंत्री मेलानी जैसे अपना आपा खो बैठी हैं और भारत पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगा रही है। वैसे भारत की कार्रवाई से जिस तरह से कनाडा खिसिया रहा है, जिस तरह से हाथ मसल कर वो रह जाने को मजबूर हो रहा है, जिस तरह से अपने 41 राजनयिकों के लौटने पर नाराजगी दिखा रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।